नमस्ते दोस्तों, रामगढ़ टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक जॉब की अपडेट लेके आया जो असम पुलिस की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, असम पुलिस की तरफ से बम्पर यहाँ पर जॉब निकाली गई है, बहुत सारी सीट्स निकाली गई दोस्तों। तो आज मैं इसी जॉब के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल का आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अपलोड होते ही। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टेक। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डाक विभाग में डायरेक्ट बहाली हो रहा है दोस्तों, और उसका वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल में डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देखिए और आप भी अप्लाई कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसमें डायरेक्ट बहाली होगा दोस्तों और मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं ये जॉब जो निकाला गया असम पुलिस की तरफ से निकाला गया, जिसमें पोस्ट का नाम कॉन्स्टेबल है। आपको आवेदन का अंतिम तिथि हम बता देते हैं 26 दिसंबर 2017। जी हाँ दोस्तों, आवेदन का अंतिम तिथि यहाँ पर निकल के आया 26 दिसंबर 2017, और लोकेशन जो होगा वो असम होगा दोस्तों। यहाँ पर सारे इंडिया के लोग अप्लाई कर सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पर इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो होगा दोस्तों वो असम होगा। चलिए आप फीस बताते हैं। जनरल को 250 रुपये लगेगा, एसटीएससी ओबीसी को 150 रुपये लगेगा। फीस ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट जो बताया गया है दोस्तों वो 18 साल से 40 साल बताया गया। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से 40 साल तक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोटा में आते हैं तो आपको और छूट मिलेगा। अगर आप एसटीएससी है तो आप 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए यहाँ पर 40 साल है और ओबीसी है तो आप 43 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको सीट्स बता देते हैं, सीट्स इसमें कितना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सीट्स जो बताया जा रहा है दोस्तों वो 145, मतलब कुछ ज़्यादा सीट्स यहाँ पर नहीं निकाली गई है, 145 सीट्स बताई गई है। और यहाँ पर पोस्ट का नाम है कॉन्स्टेबल। इसमें सैलरी जो बताया गया दोस्तों वो 14,000 से स्टार्टिंग है और यहाँ पर आपको 49,000 रुपया बताया जा रहा है, प्लस यहाँ पर आपको 5600 ग्रेड पे प्रतिमा यहाँ पर बताया गया। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताया गया दोस्तों वो 8वीं पास बताया गया। जी हाँ दोस्तों, 8वीं पास कोई भी बोर्ड से आपको यहाँ पर पास होना अनिवार्य है तो ही इस जॉब को अप्लाई कर सकते। और दोस्तों इसमें जो आवेदन का सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं रोजाना वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों अपना। टेक केयर, बाय।